श्री साईनाथ की कृपा सदैव उनके भक्तों पर रहती है। कोई तो डोर है जो सदैव भक्तों को साईं की ओर खींच लाती है। जीवन में साईं के आ जाने से सुखों का एहसास होने लगता है। साईं में भक्तों का अटूट विश्वास है जो उन्हें साईं से दूर नहीं जाने देता। श्री साईं बाबा के चरणों में आ जाने से जीवन में प्रसिद्धि का एहसास होने लगता है। बाबा की इच्छा के बगैर कुछ नहीं हुआ। बाबा जब चाहते हैं तभी उनके भक्त शिरडी की यात्रा करते हैं। लखनऊ के रहने वाले अभिषेक अस्थाना जी अपने आप को बहुत आभारी मानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों की तरह इन्हें भी शिरडी में जाने का मौका मिला। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मेरा नाम अभिषेक अस्थाना है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा बाबा से करीब 9 साल पहले बाबा के प्रति श्रद्धा किसी ने बताया था कि परेशानी में था थोड़ी, तो उन्होंने बताया कि बाबा का ध्यान लगाओ और बाबा के दर्शन करना शुरू करो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ वो मिलेगा। तो मैंने मंदिर जाना शुरू किया बाबा के, और वाकई में थोड़ा सा काफ़ी चेंजेस आए लाइफ के अंदर। कई परेशानियां हुई जिसमें से बाबा ने मुझे निकाला, और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा, मैंने कोशिश तो मतलब कई बार करता था कि मंदिर यहाँ पे लखनऊ में ही मंदिर आसपास थे मेरे को दर्शन हो जाते थे, मैं बाबा से मंदिर जाके दर्शन कर लेता था। लेकिन शिरडी जाना नहीं हो पा रहा था मेरा, और बहुत कोशिशों के बावजूद शिरडी के लिए हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी कि शिरडी दर्शन का नहीं बन पा रहा था। खैर, मैं एक दिन अपने घर के पास ही एक मंदिर है, मैं वहाँ पे दर्शन करने गया। ये करीब 2 साल पहले की बात है, मैं वहाँ दर्शन करने गया बाबा के, और मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे एक बार शिरडी आने का मौका दीजिए दर्शन, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूँ शिरडी आके। मैं अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ जो भी मुझे पसंद होगी मैं उसको हमेशा के लिए पूरी ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा, कभी नहीं वो करूँगा। खैर, उसके 2 दिन बाद मैंने जाके फिर से रिजर्वेशन करवाया और मेरा रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। मैं शिरडी गया, मैंने शिरडी में बाबा के दर्शन किए, और वहाँ जाके अपनी पसंदीदा चीज़ जो भी मुझे पसंद था मैंने उसको छोड़ दिया हमेशा के लिए। आज 2 साल हो गए मैंने खाना पीना बिल्कुल वो छोड़ दिया। खैर, उसके बाद फिर दोबारा मतलब फिर उसके बाद लाइफ में मैं वहाँ से आया, जो कहते हैं ना कि बाबा, मैंने उसमें है बुक में लिखा रहता ना कि वो साईं बाबा के 11 वचन है, जो शिरडी में आएगा आपा दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर करे दुखी पीढ़ी कर। तो ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं गया वहाँ पे, मेरे साथ बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, मैं वहाँ गया दर्शन किए, और उसके बाद लौट के आया तो एकदम से वो कहते नहीं है कि एक स्टेप आगे बढ़ जाना, तो वही हुआ मेरे बिजनेस में एकदम से एक स्टेप आगे बढ़ गया, काफ़ी चीज़ें बदली और थोड़ी तरक्की भी हुई। खैर, फिर यही रहा कि मैं बाबा के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। मैंने फिर इस अभी लास्ट ईयर अभी दिवाली पे ही इसी साल दिवाली पे मैं फिर गया दर्शन करने साईं बाबा के, और जाके दर्शन करने गया तो अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ हमने दिवाली वहाँ सेलिब्रेट करी। ये तो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है कि जो बाबा ने चमत्कार दिखाया कि मैंने वहाँ पे उनके दर्शन किए। लेकिन हमारा लौटने का जो रिजर्वेशन था वो कन्फर्म नहीं था, जाने का कन्फर्म था लेकिन लौटने का कन्फर्म नहीं था।
खैर हम लोग नासिक से, हम लोग का रिजर्वेशन था, हम लोग नासिक पहुँचे, ट्रेन छूट गई, हम लोग नहीं बैठ पाए। नासिक में हम लोगों को 2 दिन रुकना पड़ा। वहाँ पे मेरी बेटी, बड़ी बेटी है 6 साल की, उसकी फीवर हो गया। 9 तारीख का हमारा रिजर्वेशन था, 9 नवंबर का, तो उसको वहाँ पे बहुत तेज फीवर हो गया। फीवर उसका उतर नहीं रहा था, मेडिसिन वगैरह भी ली, तो इतनी दूर थे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करें। तो बहुत ज़्यादा उसके फीवर मतलब चढ़ता था, फिर कोई मेडिसिन अगर दे भी देते थे तो उतर जाता था, उतर नहीं रहा था। तो मैं शाम को ऐसे ही, मेरी बेटी को थोड़ा बुखार उतरा तो उसने कुछ खाने के लिए मंगवाया, मैं लेने गया था। मैं बाहर निकला होटल से और मैंने बस बाबा से ऐसे ही बाबा का मन में नाम लिया कि बाबा मुझे बस मेरी बेटी को बुखार ना चढ़े, उसको फीवर नहीं आना चाहिए लखनऊ पहुँचने तक, मैं लखनऊ ठीक ठाक उसको लेके चला जाऊँ, मैं लखनऊ जाके उसको डॉक्टर दिखा दूंगा। अभी मैं इतनी दूर में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे 2 दिन का समय है मुझे लखनऊ पहुँचने में, क्योंकि हम लोग का फिर जो रिटर्न का रिजर्वेशन था वो 11 तारीख का था। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को 2 दिन तक कुछ बिल्कुल ठीक रहे, लखनऊ पहुँच जाऊँ उसमें आराम से, मैं 2 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब ये आप मेरी जिद समझ लीजिए, आपसे झगड़ा समझ लीजिए, जो भी है बस मैं वही चाहता हूँ। और वापस आया होटल में, मैंने बेटी को खाना खिलाया, उसके बाद मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि तुम कुछ नहीं खा रहे हो, मैंने कहा नहीं ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मैंने भी किसी को बताया नहीं कि मैंने ऐसा कुछ माना है। खैर मॉर्निंग हुई, रात को हम लोग सो गए, उसको बुखार नहीं चढ़ा पूरी रात। सुबह हम लोग उठे, सुबह सब लोगों ने मुझसे कहा कि कुछ खा लो खा लो, मैंने नहीं खाया, लेकिन एक दो लोग हम लोगों के साथ और गए थे जिन्होंने, जब मैंने ये बात चीज़ बताई उनको तो उन लोगों ने बोला भी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, खा लो इससे कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मेरी श्रद्धा है बाबा के प्रति और मैं जानता हूँ उसको बुखार नहीं चढ़ेगा। और वही हुआ, हम लोग लखनऊ आ गए, लखनऊ भी आ गए सही सलामत, उसको मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसको बुखार चढ़ा, ना ट्रेन में बुखार चढ़ा ना पूरी रात, उसको हम लोग 2 दिन वहाँ रुके, उसको बिल्कुल बुखार नहीं चढ़ा। यहाँ पे आके हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने देखा और कहा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। आते ही मैंने यहाँ पे बाबा के दर्शन किए मंदिर में जाके, उनका प्रसाद चखा और उसके बाद ही खाना खाया। तो इस तरीके के मेरे कई एक्सपीरियंस हैं जो मतलब मैंने बाबा के साथ फील किए हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ।